नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और बिजली कटौती को लेकर के पूरे राज्य में बहुत सारी सवाल उठ रहे हैं कि जो बिजली का वादा सरकार ने किया था वो नहीं मिल पा रहा है। हम लोग सीधे जुड़ते हैं। जी मैम, क्या कुछ कहिएगा बिजली कटौती को लेकर के? हमारे धनबाद जिला सहित कई जिले में बिजली 7-8 घंटा कटौती हो रहा है, तो इस पर औद्योगिक भी बंद हो रहा है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई से लेकर बहुत सारे कार्य बाधित हो रहे हैं। तो झारखंड सरकार से मांग करती हूँ, तो ये जो बिजली कटौती हो रहा है ये कटौती ना हो और सुचारू रूप से बिजली दिया जाए। अपर्णा जी, यहाँ पे सरकार जो है अभी मौजूदा सरकार वो कहती है कि अब जो पुरानी सरकार थी उसके कारण DBC में बहुत ज़्यादा बकाया था, जिस वजह से ये सारी परेशानी हो रही है। देखिए, बकाया था, अभी आप इस राज्य के मुखिया हैं, अभी तो आपको देखना है, अभी आप राज्य की मुखिया हैं, आप CM साहब हैं, तो आपको देखना है इस राज्य का जो भी विकास हो उसमें तो आपका दायित्व है देखने का। देखिए और इसको सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध कराइए, ये मांग करते हैं झारखंड सरकार से। तो देखिए, चाहे कोई भी सरकार हो वो हमेशा से ही मांग कर रही है कि बिजली जो है वो सुचारू रूप से पूरे राज्य को मिले, लेकिन DBC का जो बकाया है उसके कारण ये सारी परेशानी हो रही थी। और ये हमारे साथ ही अपर्णा जी, जो कि बिजली कटौती को लेकर के आज सत्र के चौथे दिन अपने बातों को लेकर के बाहर बैठी हुई हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।